तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी आपके सामने है द ऑल न्यू 2024 की न्यूली लॉन्च TVS की एंटॉर्क का रेस एडिशन। गाड़ी के अंदर आपको चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, चारों बेटर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो पसंद करने वाला है क्रेजी कलर जो है वो ये है आपके सामने, ग्लॉसी एंड मैट फिनिशिंग के साथ इसका रेसिंग एडिशन। गाड़ी के अंदर एडिशन के नाम पर पहले आपको यहाँ पे 4V में सबसे पहले एडिशन दिया गया था, यहाँ देख सकते हो 4V में आपको एडिशन मिला था, स्पेशल एडिशन। उसके बाद 2V में आपको एडिशन मिल गया था, जो बाहर खड़ी है गाड़ी ये देख सकते हो 2V में एडिशन आ गया। अब तीसरा जो एडिशन लॉन्च किया है वो किया है TVS की एंटॉर्क रेस XP में। तो XP के अंदर ये अपडेट हुआ है, XT के अंदर अपडेट नहीं हुआ है। तो गाड़ी के फ्रंट से आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक जो है ग्लॉसी फिनिशिंग आपको मिलती है, बिल्कुल बीच में दोनों साइड में जो है मैट फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं, हेडलैम्प का सेटअप सेम रहने वाला है, लो बीम हाई बीम आपको LED में मिलेगी, LED में आपको यहाँ पे DRS प्रोवाइड कर रही है कंपनी। साइड में जो है आपको ग्रे कलर के एंटॉर्क के यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको 125 रेस XP के यहाँ पे स्टिकर मेंशन किए हैं। यहाँ पे थोड़े से कार्बन फाइबर टाइप की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। अभी मडगार्ड जो है इसका आगे वाला 3 पीस में मिलता है, बीच वाला ग्लॉसी ब्लैक, दोनों साइड में आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग दी जा रही है। टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलेंगे, 240 mm की आपको डिस्प्लेट मिलेगी जो कि पैटल रहने वाली है, 12 इंच के रेड कलर के अलॉय मिलेंगे आगे और पीछे। टायर साइज की बात करूं तो 180 का आपको यहां पे फ्रंट टायर मिल रहा है और रियर भी 180 का ही दिया जा रहा है, 12 इंच के आपको अलॉय दिए जा रहे हैं दोनों में। तो टायर साइज आगे और पीछे सेम रहने वाला है। पीछे जो मडगार्ड है ये आपको मेटल में मिलेगा और गाड़ियों में आपको स्कूटर में प्लास्टिक का दिया जाता है। फ्लोर बोर्ड के साइड में भी आपको कार्बन फाइबर टाइप की फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिलता है, नीचे की तरफ मैट ब्लैक फिनिशिंग। एंटॉर्क आपको 3D में यहाँ मेंशन कर रखा है 125 के साथ। यहाँ पे अगेन आपको स्टिकर, एयर फिल्टर यहाँ मेंशन है, इंजन की कैपेसिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है। इंजन में आपको पावर परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि सीट ओपन एंड पेट्रोल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे की मिलती है। ये तो छोटा सा एक वॉक अराउंड कर दिया मैंने इस स्कूटर को लेके, फुल डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में इस गाड़ी की EMI की डिटेल, इस स्कूटर को आप 2024 में बाय करना चाह रहे हो मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितनी डाउन पेमेंट करके आप इस स्कूटर को बाय कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे शोरूम के अंदर या शोरूम की तरफ से कौन कौन से पेपर आपको दिए जाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब इस स्कूटर को लेने के लिए जाओगे आप शोरूम के अंदर तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, तो वहाँ से मिलती है 5 ईयर इंजन वारंटी, 5 साल का इंश्योरेंस, कुछ सर्विस आपको फ्री दी जाती है जिसमें लेबर चार्ज नहीं लगती, ऑयल का पैसा आपको पे करना पड़ता है। पेपर के नाम पर मिलते हैं आपको टेम्प्रेरी RC बिल दिया जाता है, पॉल्यूशन पेपर और इंश्योरेंस पेपर। अब दो पेपर आपको तुरंत मिलेंगे, कौन से, बिल और इंश्योरेंस पेपर। अब वहाँ पे आपको टेम्प्रेरी RC और पॉल्यूशन पेपर मिलते हैं 2 दिन बाद, जब आपकी नंबर प्लेट लेने के लिए आप जाओगे शोरूम के अंदर तब आपको वो दो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डाउन पेमेंट की। पहले इस गाड़ी का प्राइस जो है वो बता दूँ, 1,17,500 रुपये गाड़ी का प्राइस है, जो कि दिल्ली या फिर दिल्ली NCR का है। आप अगर किसी और सिटी से हो तो कमेंट कर देना, आपकी सिटी का प्राइस मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर बेटर है तो आप 15,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हो इस स्कूटर को लेने के लिए। तो 15,000 के हिसाब से अपने पास ऊपर EMI का प्लान है। अगर सिविल स्कोर सही नहीं है तो 30,000 की डाउन पेमेंट आप कर सकते हो, तो 30,000 का भी EMI प्लान अपने हाथ में है। दोनों EMI बताऊंगा, तो पहले जानते हैं 15,000 के हिसाब से। तो 15,000 की डाउन पेमेंट करते हो आप इस स्कूटर को लेने के लिए और फाइनेंस करवा दो 12 महीने के लिए, तो आपकी EMI बन रही है 9,670 रुपये की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। 24 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो 15,000 की डाउन पेमेंट देके, तो आपकी जो EMI है वो बन जाएगी 5,275 रुपये की, जो कि हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। 36 महीने यानी 3 साल के लिए फाइनेंस करवाओगे सेम पैसे देके, तो आपकी EMI बनेगी 3,809 रुपये की। अब ये तो होगी बात उनके लिए जिनका सिविल स्कोर बेटर है, जिनका सिविल स्कोर सही नहीं है, अब उनकी EMI बता देता हूँ। तो 30,000 के हिसाब से उनका EMI प्लान ये रहा, 12 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे 30,000 की डाउन पेमेंट देके, तो आपकी EMI बन जाएगी 8,295 रुपये की। 24 महीने यानी 2 साल के लिए फाइनेंस करवाओगे आप सेम पैसे देके, 30,000 रुपये देके, तो EMI बन जाएगी 4,595 रुपये की। 36 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे 3 साल के लिए, तो सबसे लो EMI बन जाती है आपकी 3,298 रुपये की। तो आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हो, कोई भी EMI प्लान चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो 15,000 देके 12, 24 या 36 महीने वाला चूज़ कर लो, आप चाहो तो 30,000 देके 12, 24, 36 वाला यूज़ कर लो। ये जो ROI है डिपेंड करता है आपके सिविल पे,
10% के हिसाब से यहाँ पे ROI लगाया है, स्टार्टिंग भी 10% के हिसाब से ही है। फाइनेंस जो हो रहा है वो हो रहा है TVS फाइनेंस से ही है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो कॉल करके और जानकारी ले सकते हो। आपको EMI की डिटेल चाहिए या कोई भी नई गाड़ी आई है मार्केट में उसके बारे में पूछना है, या और आपको 50,000 की EMI का प्लान समझना है, तो वो जानकारी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। आपको क्या करना है, कॉल करना है, SMS करना है, कुछ भी करो, कॉल कर लो, जो आपको सही लगे वो करके, तो हर तरह से आपको बेटर सर्विस मिलने वाली है, आप सारी जानकारी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। गाड़ी को लेने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड। चेकबुक के थ्रू भी इस स्कूटर को ले सकते हो। पासबुक दिखाओ तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, 6 महीने का नहीं है तो 3 महीने का कंपलसरी है, वो दिखा के आप इस स्कूटर को ले सकते हो। ATM कार्ड जो है वो सबसे बेस्ट हो जाता है। ATM कार्ड ऐड करवाने के बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाती है ऑनलाइन, जिसे हर महीने आपकी जो EMI होगी वो कटेगी सीधा आपके अकाउंट से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी EMI की डेट होती है उसे 2 दिन पहले चेक कर लेना अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो डाल लें, क्योंकि 1 दिन भी आप मिस करते हो तो 500 से 700 रुपये तक की आपकी पेनल्टी लग सकती है, जिसमें आप ही का लॉस है। तो ध्यान रखना है, EMI की डेट से पहले चेक कर लेना अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं, नहीं है तो डाल लें, जिससे आपको पता रहेगा कि भाई पेनल्टी लगेगी, तो उससे पहले आपको चेक करना है। तो गाड़ी की EMI, डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स और पेपर सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ मिस रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइज लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।